महिंद्रा और फोर्ड दोनों कंपनी को सब लोग जानते हैं, और जैसे कि 2017 में न्यूज़ आई थी इन दोनों ने एक पार्टनरशिप की थी जिसके अंदर ये कुछ आपस में प्रोडक्ट बनाने वाले थे, आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे थे और सेल करने वाले थे, मगर कुछ ऐसा हुआ कि हाँ कह लें हाँ मिसफॉर्चुनेट हुआ, क्या कुछ फॉर्चुनेट नहीं रहा इनके लिए कि इनकी पार्टनरशिप चल नहीं पाई। तो अब जो ये इन्होंने अपने न्यूज़ में रिलीज़ किया है कि हाँ कुछ एक रिलीज हुआ है कि न्यूज़ में कि इन्होंने भी दोनों को मिला के कंबाइन मिला के 7 कार ये लोग अपनी रिलीज करने वाले हैं 2021 के अंदर। तो इस वीडियो में उन्हीं 7 कारों के बारे में बात करूँ कि कौन सी 7 कारें इनकी आ सकती हैं या कौन सी कारें लाएंगे इस साल मतलब 2021 के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और मैं ये बता दूँ मैं जो इसमें क्लिपिंग यूज़ करूँगा इसके रेफरेंस में वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होगी, वो ओल्ड मॉडल की होगी, आने वाले की नहीं होगी, सिर्फ ओल्ड मॉडल की होगी। अगर मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ तो वो उसकी हो सकती है कि हाँ उसे पब्लिक ने कहीं स्पॉट किया हो या कहीं से टेस्ट राइडिंग के लिए देखा गया हो। अगर मैं इमेज यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब वही होगा कि हाँ वो देखी गई है, और अगर मैं सिर्फ वीडियो क्लिप यूज़ कर रहा हूँ तो वो रेफरेंस के लिए कि हाँ पुरानी मॉडल का है वो, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ वो पर्टिकुलर मॉडल का ही है। तो चिल करना, जो भी मैं क्लिप यूज़ कर रहा हूँ वो सब्जेक्टिव होगी एक तरह से, ये मान के चलना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मेरी लिस्ट देख लो कि ये फोर्ड और महिंद्रा कौन कौन सी कार आने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे महिंद्रा की न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो जो कि आने वाली साल उम्मीद है। इंडिया में महिंद्रा स्कॉर्पियो को साल 2002 में लॉन्च किया गया था, और ये महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। हालांकि महिंद्रा ने इस कार में ज्यादा कोई बड़ा अपडेट किया नहीं है, लेकिन अब करने जा रही है। न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो को हम 2021 के बीच में लॉन्च होने की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर मैं वही खास बात की बात करूँ जो न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च होने वाली है, तो उसमें मैक्सिमम हम लोगों को देखने को मिलेगा अपग्रेडेड डिज़ाइन। जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का डिज़ाइन पहले आता था उसमें कुछ ज़्यादा अपग्रेड कर दिया जाएगा इस बार, साथ ही साथ नए डिज़ाइन वाले कैबिन के साथ काफ़ी सारी नई फैसिलिटी भी शामिल की जाएंगी, मतलब फीचर्स शामिल किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे ये अकेलो इंग्लिश मीडियम वालों। 2021 में स्कॉर्पियो को पावर देने के लिए 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल और डीजल पावर ट्रेन मिलेगा जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। तो मेरी लिस्ट में अगली है न्यू जनरेशन महिंद्रा XUV 500। 300 होगी, 400 होगी, 500 भी आने वाली है महिंद्रा XUV की। प्रीमियम XUV सेगमेंट में बढ़ते कंपटीशन के साथ XUV 500 अब थोड़ी पुरानी महसूस होती है, और इसकी सेल पिछले कुछ सालों में कम हो गई है। लेकिन महिंद्रा XUV के न्यू जनरेशन मॉडल पर पिछले एक साल में काम किया जा रहा है जिसकी अप्रैल 2021 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। नई XUV 500 में बड़ी फ्लॉन्टिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और अगर मैं फीचर की बात करूँ जो न्यू जनरेशन XUV 500 लॉन्च होने वाली है अप्रैल 2021 में, उसके अंदर बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी, डिजिटल MID, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील और फ्लच टाइप हैंडल मिलेंगे, जबकि लेवल 1 की ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी पेश करने की भी उम्मीद है, जो इस टेक्निक के साथ पेश करने वाली भारत में सबसे सस्ती कार बन जाएगी। तो मेरी लिस्ट में अगली भी महिंद्रा की है, महिंद्रा की XUV 300 इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। महिंद्रा ने इस कार के कॉन्सेप्ट को 2020 के ऑटो एक्सपो में पेश किया था, जबकि इसके प्रोडक्शन वर्जन के 2021 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ये कार इंडियन मार्केट में मौजूद जितनी भी सारी इलेक्ट्रिक कार हैं उनसे सबसे सस्ती कार होगी। महिंद्रा XUV 300 जब लॉन्च होगी तो ये सीधा सीधा टक्कर देगी टाटा के नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक को, क्योंकि महिंद्रा का कहना है कि ये उसको ही टक्कर देने के लिए हमने बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक XUV 300 इलेक्ट्रिक में 350 किलोमीटर की रेंज मिलेगी जब हम इसे फुल चार्ज कर देंगे। तो इसके अलावा हम उम्मीद कर सकते हैं XUV 300 के अंदर कुछ अलग तरह का डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल सकता है हमें, और मैं बता दूं डोनर कार से इसके लिए कई सारे फीचर भी ले जाएंगे। और तो मेरी लिस्ट में फाइनली अगली है फोर्ड की CXUV। फोर्ड ने इस नई XUV को इंटरनल रूप से CX757 का नाम दिया है, जो कि नई XUV 500 के साथ अपने पावर ट्रेन अंडरपिनिंग को शेयर करती है। अपकमिंग फोर्ड SUV को फोर्ड की कंपनी ने डिजाइन किया है। हाल ही में फोर्ड ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे इसका जो फ्रंट है उसका लुक शेयर किया था लोगों के साथ। तो मेरी लिस्ट में अगली है फोर्ड की मिडसाइज SUV। फोर्ड भारत में हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस के मुकाबले एक नई मिडसाइज SUV को लाना चाहती है, जिसे BX755 का कोड नेम दिया गया है। फोर्ड मिडसाइज SUV को महिंद्रा के 1.5 लीटर M स्टैलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल 1.5 लीटर M-Hawk टर्बो डीजल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है, जो कि फोर्ड के इंडियन पोर्टफोलियो में इकोस्पोर्ट और अपकमिंग CXUV के बीच में जगह लेगी। तो मेरी लिस्ट में अगली है फोर्ड की नई जनरेशन इकोस्पोर्ट। सेल के लगभग 8 साल बाद भी भारत में फोर्ड इकोस्पोर्ट अभी भी अपने पहले जनरेशन में ही है। इंडिया में इकोस्पोर्ट ने मैक्सिमम तौर पर सब 4 मीटर SUV सेगमेंट के लिए एक बेस रखा था, लेकिन अब इस सेगमेंट में करीब 8 SUVs हैं और इंडिया में सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट बन गया है। इसीलिए कंपनी इकोस्पोर्ट के इस नए जनरेशन को लाने जा रही है, जिसमें 1.2 लीटर का M स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाएगा। जल्दी ये इंजन महिंद्रा XUV 300 स्पोर्ट्स पर डेब्यू करेगा, और इस गाड़ी का जो इंजन है वो 130 PS का पावर देगा। तो मैंने जो लिस्ट बताई है ये अपकमिंग कार्स है महिंद्रा और फोर्ड दोनों की कंबाइन, और दोनों तो वैसे भी अलग हुई गई ऑफिशियली जब उन्होंने पार्टनरशिप की थी, मगर पार्टनरशिप चली नहीं, वो तो अनफॉर्चुनेट है। मगर अब इन दोनों की ये जो कंबाइन ये टोटल कार आएंगी, उम्मीद कर सकते हैं हम ये इस साल आएंगी, वो भी मिड 2021 तक आ जानी चाहिए जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है
कि हाँ हम तैयारी कर चुके हैं, बस लॉन्च करने की देर है, बस इनके प्राइस और बहुत सारी चीज़ें हमें अपडेट करना इनको बाकी है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी आपको पता ही क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बाकी मेरे व्लॉग भी आएंगे, वेट करो थोड़ा सा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।